पर्दे पर छाए पीएम नरेंद्र मोदी, ये फिल्में वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्रीज हो चुकी हैं रिलीज। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता के तौर पर जानते हैं जो सिर्फ राजनीतिक जगत में ही नहीं फिल्म जगत में भी सामान्य रूप से चर्चित है। वो ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय है और उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले मोदी किस तरह देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये जानने में सभी को दिलचस्पी रहती है। लिहाजा मोदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के फेवरेट हो गए। उतार चढ़ाव से भरी उनकी जिंदगी किसी दमदार फिल्म के लिए एकदम सटीक कहानी है। फिल्मों से लेकर वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री तक मोदी पर सब कुछ बना। मोदी पर तमाम किताबें तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। आज नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर हम आपको बताने जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो उन पर बेस्ड है। पहले नंबर पर है फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी। ओमन कुमार के निर्देशन में बनी विवेक ओबरॉय स्टारर ये फिल्म पीएम मोदी पर बना सबसे चर्चित और विवादित प्रोजेक्ट था। महज 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 123 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म का विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। इस फिल्म पर तमाम तरह के आरोप लगे और सेंसर बोर्ड से क्लीन चिट मिल जाने के बावजूद इसे रिलीज से ठीक एक दिन पहले रोक दिया गया। लोकसभा चुनाव खत्म होने तक फिल्म पर बैन लगाने वाले चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि ये फिल्म पीएम मोदी का गुणगान करती है। दूसरे नंबर पर है मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी पर बनी ये वेब सीरीज भी विवादों का विषय रही थी। उमेश शुक्ला के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज को भी चुनाव आयोग ने बैन कर दिया था। इस वेब सीरीज को बैन करने के पीछे भी ये तर्क दिया गया था कि इससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। कुल 10 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज में फैजल खान, आशीष शर्मा, महेश ठाकुर और प्राची शाह ने अहम किरदार निभाए थे। डॉक्यूमेंट्री फिल्में पीएम मोदी पर तमाम तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बन चुकी है। एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन दो बार मोदी पर फिल्म बनाए जाने को लेकर बयान दे चुके हैं। रवि किशन का कहना है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी पर भोजपुरी फिल्म बनाना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान में कहा था कि यदि वो फिल्म बनाएंगे तो उसमें नाच गाना नहीं होगा, वो पूरी तरह से वास्तविक तथ्यों पर आधारित फिल्म बनाएंगे। तो ये थी मोदी पर बनी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज की बात। ब्यूरो रिपोर्ट इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।